वेलकम टू कुकिंग क्यूरियोसिटी। आज हम बनाएंगे लौकी का चीला। ये ली है मैंने लौकी, जिसे कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें डालेंगे सिंघाड़े का आटा। तीन चम्मच सिंघाड़े का आटा डाला है मैंने इसमें। अब डालेंगे हरा धनिया बारीक कटा हुआ, बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अगर आप व्रत के लिए नहीं बना रहे हैं तो सिंघाड़े आटे की जगह बेसन भी डाल सकते हैं, और सेंधा नमक स्वाद अनुसार। अब डालेंगे काली मिर्च पाउडर और इन सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। और इसे मिक्स करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे। इतना ही गाढ़ा बैटर चाहिए हमें, बैटर को ज्यादा पतला नहीं करना है। अब ये मैंने तवा गरम कर लिया, उस पर डाल रही हूँ घी और इसे फैला देंगे। इसके लिए नहीं बना रहे तो सरसों का तेल भी डाल सकते हैं घी की जगह। अब तवे पे हम बैटर फैला देंगे। अब इसे धीरे धीरे फैलाएंगे, ज्यादा पतला नहीं फैलाना है। बस इतना ही मोटा रखना है। अब इसकी साइड से हम थोड़ा सा घी डाल देंगे। आप हमारे चैनल पर व्रत के लिए लौकी की सब्जी भी देख सकते हैं और सिंघाड़ा आटा की पूड़ी भी देख सकते हैं। अब इसे हम पलट देंगे। अब दोनों साइड से इसी तरीके से सेक लेंगे हम। इसे हम ऐसे दबा दबा के सेकेंगे ताकि ये पतला हो जाए। इसके साथ आप चटनी बना सकते हैं। चटनी की रेसिपी मैं पहले डाल चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अब इसे पलट कर चेक करते हैं। ये दोनों साइड से सीख चुका है। इस रेसिपी को एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा, ये बहुत हेल्दी और टेस्टी भी है। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें रोज नई वीडियो देखने के लिए।